सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह के जन्म दिवस पर लगभग 7 वर्ष पूर्व बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर की सौगात नगर परिषद द्वारा दी गई थी, लेकिन अब सेंटर बंद है तथा कबाड़ खाने में बदल चुका है। नगर परिषद कार्यालय से टाइमेज मध्य प्रदेश ने मामले में पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि लगभग 7 वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष एवं भाजपा नेत्री शीतल खंडेलवाल के कार्यकाल में सेंटर की शुरुआत की गई थी। शुरुआत पूर्व तय किया गया था कि सुबह तथा शाम को सैर पर निकलने वाले बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना की जाए तथा इसका लोकार्पण विधायक विजयपाल सिंह के जन्मदिन पर उन्हीं के हाथों कराया जाए। विचार धरातल पर कार्य के रूप में भी दिखा तथा डे केयर सेंटर की विधिवत शुरुआत भी हुई, जिसमें कुछ सप्ताहों तक बुजुर्गों के लिए विभिन्न पुस्तकें व समाचार पत्र रखे गए, लेकिन कुछ ही समय बाद सेंटर प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही की भेंट चढ़ गया और बंद हो गया। नगर परिषद सूत्रों ने बताया कि लगभग 5 लाख रुपए व्यय करते हुए उक्त सेंटर बनाया गया था तथा वर्तमान की स्थिति स्पष्ट करती है कि उक्त राशि कबाड़ के मेंटेनेंस के लिए उपयोग हो रही है। बता दें कि डे केयर सेंटर को प्रतिदिन खोले जाने की समय सीमा भी तय की गई थी, जिसके अनुसार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक सेंटर खोलना था। इस अवधि में सेंटर में आने वाले बुजुर्गों के बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई थी तथा अखबार व पुस्तकों के लिए एक अलमारी रखकर लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन ना तो समय सीमा का पालन हुआ और ना ही अब यह ज्ञात है कि तैयार की गई अलमारी नुमा लाइब्रेरी की पुस्तकें कहाँ हैं तथा डे केयर सेंटर के कक्ष में नगर परिषद का कबाड़ पड़ा है। हमने देखा कि यहाँ पर लगभग 7 से 8 वर्ष पूर्व डे केयर सेंटर शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों के लिए नगर परिषद के द्वारा तैयार किया गया था। इस डे केयर सेंटर को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जो सुबह शाम शहर पर निकलने वाले जो बुज़ुर्ग होते हैं वे यहाँ बैठेंगे, गपशप करेंगे, कैरम खेलेंगे, अखबार पढ़ेंगे और चाय पीते हुए घर को निकल जाएंगे। लेकिन कुछ समय तक यह डे केयर सेंटर चला, संचालन में रहा, लेकिन फिलहाल में यह व्यवस्था बंद है। एक बात विशेष रूप से बता दें कि क्षेत्रीय विधायक सोहागपुर के जो हैं विजयपाल सिंह जी, उनके जन्मदिन के अवसर पर तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष शीतल खंडेलवाल के द्वारा शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों को यह सौगात दी गई थी, लेकिन वर्तमान में प्रशासक यहां पर सर्वेसर्वा हैं। शहर के बुजुर्ग लगातार मांग कर रहे हैं कि डे केयर सेंटर को शुरू किया जाए। देखना यह होगा कि आखिर डे केयर सेंटर कब तक शुरू हो पाता है। नगर परिषद के डे केयर सेंटर जो कि बंद पड़ा है, वहाँ से टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए मैं अमित बिल्लो। चौबे जी, ये जो डे केयर सेंटर है काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा है, क्या योजना थी, क्या उद्देश्य थे, किस तरह शुरू हुआ और बंद क्यों हुआ? शासन के आदेश के अनुरूप इसको शुरू किया गया था। नगर के पेंशन वाले कर्मचारी एवं अन्य जो वृद्ध व्यक्ति थे उनके लिए डे केयर सेंटर खोला गया था और इसमें समस्त व्यवस्थाएँ सुविधाएँ दी गई थी उनके मनोरंजन के लिए। कुछ समाजसेवियों ने भी सहायता करी थी, उनके माध्यम से कैरम बोर्ड, शतरंज, पत्रिकाएँ, पेपर एवं टीवी व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन उस डे केयर सेंटर में शुरू में 3-4 दिन तक 2-3 लोग आए, उसके पश्चात महीनों तक कोई व्यक्ति भी नहीं आया। 2 कर्मचारी को ड्यूटी लगाई गई, कर्मचारी सुबह शाम तक खाली बैठ रहे थे, तो इस प्रकार हमें उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमको मजबूरन बंद करना पड़ा। अभी भी यदि कोई वृद्धजन आके हमारे पास आवेदन देते हैं कि हम डेली आएंगे या कभी आएंगे तो हम उसको पुनः खोल देंगे, व्यवस्था पूरी हमारे पास, हम खोल सकते हैं उसको। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के सोहागपुर से अमित बिल्लौरी की रिपोर्ट।